एक बार एक आदमी पुताई कर रहा था। वहीं से एक लड़का अपनी मस्ती में गुजरा। उसने देखा कि जो आदमी पुताई कर रहा है वो काफ़ी सारा पेंट बर्बाद कर रहा था। उस लड़के को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने उससे कहा, हे दोस्त, क्या तुम ऐसी टेक्निक जानना चाहते हो जिससे कम समय में और कम पेंट खर्च करके अच्छी पुताई हो जाए? उसी जगह पर वहाँ का मालिक भी खड़ा था। पहले तो दोनों लोग भौचक्के होकर उसे देखने लगे। फिर दोनों ने एक साथ कहा, हाँ भाई, क्यों नहीं, तुम ऐसा कुछ जानते हो तो हमें ज़रूर बताओ। उस लड़के ने अपनी आस्तीन चढ़ाई और ब्रश और पेंट लेकर सीढ़ियों पर चढ़ गया। कुछ ही समय में उसने सारी दीवार पेंट कर दी और नीचे उतर आया। मालिक ने उस लड़के को उसका मेहनताना देना चाहा, लेकिन उस लड़के ने पैसे लेकर उस आदमी को पैसे दे दिए जो पहले पुताई कर रहा था और कहा, ये काम तो इन्हीं का था, मैंने तो बस इन्हें करने का तरीका बताया है। आगे चलकर उसी लड़के ने समाजवाद और साम्यवाद के नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और एक नई शासन व्यवस्था का जनक कहलाया। वह लड़का और कोई नहीं बल्कि कार्ल मार्क्स था। कार्ल मार्क्स एक जर्मन अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक थे जिन्होंने कम्युनिज्म या समाजवाद विचारधारा को जन्म दिया और साम्यवाद की आधुनिक अवधारणाओं का विकास किया। कार्ल मार्क्स की किताब दास कैपिटल ने आधुनिक युग में ज़बरदस्त प्रभाव डालते हुए दुनिया के कई देशों को अपनी विचारधारा से प्रभावित किया और समाज में गरीबी से दब रहे लोगों के पुनरुत्थान के लिए कई देश कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पर समाजवादी बन गए, जिसमें से रशिया और चाइना प्रमुख है। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को प्रूशा यानी कि वर्तमान जर्मनी के यहूदी परिवार में हुआ था, लेकिन 1824 में उनके परिवार ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए बॉन यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया। इसके बाद उन्होंने बर्लिन और जेना यूनिवर्सिटी से साहित्य, इतिहास और दर्शनशास्त्र की पढ़ाई पूरी की। इसी समय वो हीगल के विचारों से प्रेरित हुए थे। 1841 में उन्होंने डेमोत्रिकस और एपिक्यूरस के प्राकृतिक दर्शन पर PhD पूरी कर ली। पढ़ाई करने के बाद 1843 में उन्होंने जेनी वॉन से शादी कर ली और पेरिस जाकर बस गए। वहाँ पर उन्होंने ड्यूश फ्रांसोसिस जारबुशर मैगजीन के लिए हीगल के नैतिक दर्शन पर अनेक आर्टिकल लिखे। अपने सुधारवादी लेख और आर्टिकल्स की वजह से फ्रांस की सरकार ने कार्ल मार्क्स को देश से निष्कासित कर दिया। वो पेरिस से बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स चले गए और वहीं पर उन्होंने मजदूर संगठन का गठन किया जो बाद में कम्युनिस्ट लीग बना। 1848 में उन्होंने कॉलोन में नेवे राइनिशे जितुंग का संपादन आरंभ किया और उसके माध्यम से जर्मनी में समाजवादी क्रांति का संदेश देना शुरू किया। 1849 में इसी अपराध में उन्हें जर्मनी से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद वो लंदन चले गए और जीवन भर वहीं रहे। लंदन में उन्होंने कम्युनिस्ट लीग की स्थापना का प्रयास किया, लेकिन उसमें फूट पड़ जाने के कारण उसे बंद करना पड़ा। 1864 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन बाकुनिन के अराजकतावादी आंदोलन, फ्रेंच जर्मन युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ भंग हो गया। इसके बाद 1867 में उन्होंने अपनी किताब दास कैपिटल को 4 भागों में लिखा जो रूस की राजधानी मॉस्को से प्रकाशित हुई। उन्होंने एक और किताब लिखी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसे पढ़कर पूरे विश्व में समाजवाद का विस्तार हुआ। चीन में माओ त्से तुंग, रूस में लेनिन और भारत में नेहरू जैसे दुनिया भर में समाजवादी नेता कार्ल मार्क्स और उनकी विचारधारा को फॉलो करते हैं। 14 मार्च 1883 को कार्ल मार्क्स के तूफानी जीवन की कहानी समाप्त हो गई। कार्ल मार्क्स का सारा जीवन भयानक आर्थिक और राजनीतिक संकटों के बीच बीता। सामान्य शब्दों में अगर समझाऊं तो कार्ल मार्क्स ने जो समाजवाद का सिद्धांत दिया था वो समाज में हो रहे लोगों के बीच हो रही अमीरी और गरीबी की बढ़ती हुई खाई को रोकने के लिए था। क्यों जो लोग अमीर है वो बहुत अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं। उनके अनुसार समाज में आय का समान वितरण होना चाहिए और अमीर पूंजीपतियों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए जिससे वो गरीबों पर अत्याचार ना कर पाए। उन्होंने गरीब मजदूर, किसान और समाज में पीछे रह गए लोगों के लिए समाजवाद को बनाया था। बहुत से अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि कार्ल मार्क्स की समाजवादी विचारधारा
किसी भी देश की उन्नति में सबसे बड़ी बाधक है, क्योंकि दुनिया के बड़े विकसित देश जैसे अमेरिका, इंग्लैंड समाजवादी विचारधारा के खिलाफ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं, लेकिन रशिया और चाइना इसके अपवाद हैं। चाइना आज अमेरिका से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। भारत भी 1991 तक एक समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश रहा, लेकिन भारत इसके सिद्धांतों को चाइना की तरह लागू नहीं कर सका और 1991 तक आते आते भारत कर्ज में डूब गया, जिसके बाद हमने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला और आज हम यह कह सकते हैं 30% समाजवादी और 70% पूंजीवादी मिश्रण से हम एक मिश्रित अर्थव्यवस्था चला रहे हैं।